अंधेरे क्या बिगाड़ेंगे मेरा, औकात क्या उनकी, मेरे सीने में है तनवीर कल्लू शाह बाबा की, और मेरा हर शेर खुशबू की तरह महका है महफिल में। मेरा हर शेर खुशबू की तरह महका है महफिल में, मेरे हर शेर में है तासीर कल्लू शाह बाबा की। इसलिए ये दयार जिंदा है, कोई जेरे मजार जिंदा है, अपनी आंखों का मर गया पानी, उनका सब्रो करार जिंदा है। लॉकडाउन की वजह से हर साल हजरत कल्लू शाह बाबा का सालाना 5 रोजा उर्स कोरोना वायरस और पुलिस इंतजामिया की दरखास्त पर मनसूख कर दिया गया। हर साल यहाँ 5 रोजा उर्स की तकरीबात में महफिल समा, शबे नात, शबे मिलाद, जिक्र तिलावत, चादर पेशी, संदल, कुश्ती का मुकाबला, बाना बनेठी समेत न्याज और लंगर का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जाता है। मगर इस साल कोरोना वायरस की वजह से जहां काफी भीड़ रहा करती थी, 10 ता 20 हजार लोगों के मजमे में मनाया जाने वाला हर साल का ये उर्स इस साल नहायत खामोशी से, महदूद तरीके से मुनाकिद किया गया है। यहाँ ट्रस्ट और इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की थी, मगर तमाम तैयारियों को मनसूख कर दिया गया। रंगो रोगन रोशनाई को लेकर नौजवानों ने यहाँ काफी मेहनत की, 1 महीने से मसरूफ, खिदमते खल्क के जज्बे से सरसार, वलियों के चाहने वाले ये नौजवान यहाँ अपनी गिरा कद्र खिदमात अंजाम दे रहे थे, मगर वाय नाकामी के उरुस का इनेकाद नहीं हो सका। कल्लू शाह बाबा दरगाह इहाते से मुत्तसिल आप ये पूरे कैंपस को देख सकते हैं कि हमेशा उर्स के अय्याम में यहाँ काफी तादाद में भीड़ रहा करती थी, मगर इस साल सारा मामला सुनसान है और सन्नाटे का एक आलम है। शायद ये भी खुदा की कोई एक मसलहत हो, मगर हजरत कल्लू शाह बाबा के मानने वाले नौजवान, यंग स्टार ग्रुप, इंतजामिया कमेटी, उर्स कमेटी, दरगाह ट्रस्ट के लोग अपने अपने तौर पर यहाँ जिक्र अजकार और फातिहा खानी का नज्म कर रहे हैं। मालेगांव शहर में यही वो एक दरगाह है जहाँ हर साल बड़े पैमाने पर 5 रोजा उर्स का एहतमाम किया जाता है। इससे कबलो यहाँ 11 गरीब बच्चे बच्चियों का इज्तिमाई निकाह भी मुनाकिद किया गया था, और 5 रोज तक यहाँ रोजाना 20 ता 30 पायली की न्याज मुस्तहकीन और गरीबों में तकसीम की जाती है। नासिक, धुलिया, बम्बई, सूरत, कल्याण, थाना, बुरहानपुर, यवला जैसे दीगर शहरों से भी अकीदतमंदान यहाँ तशरीफ लाते हैं और हर साल उर्स की तकरीबात में शिरकत करते हैं। आपका क्या नाम है? मंसूर शाह इस्माइल शाह। आप यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ मैं खादिम हूँ। कितने सालों से आप? 20 साल से। अच्छा, आज हम लोगों को मालूम हुआ कि दरगाह शरीफ का उर्स होता। हाँ, संदल है। और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? ऐसे तो हर साल की तरह यहाँ पे 4 दिन उर्स मनाया जाता। क्या क्या होता था उर्स में पहले? उर्स में पहले दिन संदल होता था और दूसरे दिन चादर वगैरह, उसको उर्स बोलते, और उसके बाद में फिर कव्वाली वगैरह, फिर मुशायरा, फिर लंगर न्याज, ये सब होती थी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों ने सब उर्स को ना प्रोग्राम करते हुए, और आज जो संदल का जो प्रोग्राम है तो 3 से 4 लोग रहेंगे और इसके बाद संदल हम लोग चढ़ा देंगे। आपको उर्स नहीं करने की तरफ से डिपार्टमेंट की जानिब से कोई हिदायत मिली थी? हाँ, मिली थी परमिशन। हम लोग हर साल लेते थे, ये साल परमिशन हमको नहीं दिया गया। इसके लिए पुलिस ने बोली है कि तुम कोई प्रोग्राम मत करना। इस साल आप किस तरीके से उर्स कर रहे हैं? इस साल हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से हर साल करते हैं तो वो प्रोग्राम ना करते हुए हम लोग यहाँ पे जैसे लाइटिंग है, कलर है, और
ट्रस्ट ने ऐसा कुछ किया है कि न्यास पैकेट के जरिए से अपन घरों घर तकसीम कर दें। हर यहाँ पे 118 और सब मनाया जा रहा है जिसमें कोई पब्लिक का कोई नहीं है, और यहीं के ही हम लोग मस्जिद से उठा के संदल बाबा पे सब आज चढ़ा देंगे। और इसके अलावा कोई प्रोग्राम जो था वो कैंसिल कर सब दिया। सारे प्रोग्राम कैंसिल कोरोना वायरस की वजह से हम लोग ने कैंसिल कर दिए। आवाम को और जायरीन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सभी लोगों से हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि भाई उर्स जो हो रहा है तो घर ही घर के अंदर अपने दरगाह शरीफ के लिए दुआएं खैर करें, और कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर पब्लिक ना जमा होते हुए अपने घरों से ही वो दुआएं खैर करें, साफ सफाई का ख्याल रखें, कोरोना वायरस से बचें।